वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा न्यू ब्लॉग, और अभी अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि इवनिंग से, और टाइम हो रहा है शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो जस्ट अभी मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, गली में बहुत ही ज़्यादा शोर है, तो प्लीज़ इसको माइंड मत करना। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना रेडी होके कहाँ जा रही हूँ, और काफ़ी गर्मी भी है और ऊपर से मैं साड़ी वेयर की हुई हूँ, तो इसका भी रीज़न है क्योंकि आज मेरे घर में कोई आने वाला है, तो इसके वजह से मैं थोड़ी तैयार से आ रही हूँ। और जो मतलब न्यू मेहमान बोल सकते, जो भी गेस्ट हैं, जो कि मैं अपने शादी से उनसे फर्स्ट बार मिलूँगी, पहली बार मुलाकात मेरी होगी उनसे। और अभी मेरे शादी को 4 साल कंप्लीट हो गए, 5 बार लग गया है, पर अभी तक मैं उनसे नहीं मिली हूँ। और वो बहुत ही ख़ास है जो आज हमारे घर में आने वाली है, तो अभी फाइनली आए नहीं हैं पर पहुँचने ही वाली होंगी कुछ मिनट में या कुछ टाइम में। तो इसके वजह से हम रेडी हुए हैं, अभी कॉल आया था तो फिर चाची ने बोला कि मतलब रेडी हो जाओ, साड़ी वगैरह डाल लो और पहुंचने वाले हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर दे रही हूँ, और ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी कौन है कौन नहीं है, और मैं बताऊंगी भी कि कौन है जिनके लिए मैं इतना ज़्यादा रेडी शेडी हुई हूँ। तो चलिए इसी तरह आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, और आगे जो भी मैं करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फाइनली ये रहा वीडियो उसके दूसरे दिन का। उस दिन मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि फ़र्स्ट टाइम किसी के सामने कैमरा बिल्कुल भी नहीं उठाया जा सकता, तो ये जो प्रिपरेशन की हूँ उन्हीं के लिए की हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ एक तरफ मैं खोआ पनीर बनाई हूँ, और ये दूसरा रहा दाल मखनी, एंड यहाँ मैं मसाला भिंडी बनाई हूँ, भुजिया और रायता बना है, और मीठे में ये सेवई हैं, और सैलेड वगैरह कट कर दी हूँ, और एक तरफ मैं बूंदी का रायता बनाई हूँ, एंड चावल है, और रोटी अभी मैं बनाऊँगी जब उनको खाना होगा। तो चावल आप देख सकते हो अभी कुकर का सीटी नहीं निकला हुआ है, तो इसके वजह से। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कौन है। तो यहाँ ये बुआ जी हैं जो ब्लैक वाली कुर्ता पहनी है, थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर ली थी, बुआ जी आए हुए थे यानी कि मेरे हस्बैंड की बुआ जी, और ये फर्स्ट टाइम मेरी शादी में आई थी, बट मेरा गाना आया था 4-5 दिन बाद, तो इसके वजह से ये चले गई थी, इनके मतलब किसी का तबीयत वगैरह ख़राब था तो इनके पास टाइम नहीं था, तो ये चली गई थी। और ये वाला जो क्लिप आप देख रहे हो ये उनके जाने के 2-3 दिन बाद का है, और ये वीडियो बहुत टाइम बाद में डाल रही हूँ क्योंकि बीच में मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो इसके वजह से। और बुआ फाइनली जा चुके हैं, वो मुश्किल से 3 से 4 दिन थी, 5वें दिन वो चले गई थी, तो मैं वीडियो थोड़ा बहुत जो बना बना के रखी थी, तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं अपलोड कर देती हूँ। तो चलिए आगे मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। ये वीडियो मेरा 2 से 3 दिन का क्लिप है जो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें लगाई हुई हूँ, क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट वीडियो बना ही नहीं पा रही थी बीच में, क्योंकि काफ़ी बिजी थी और बुआ जी आई थी तो उनके साथ साथ ही थी ज़्यादा टाइम, तो इसके वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। और उसमें मन भी नहीं करता कि कोई गेस्ट आया हुआ है पहली बार तो फिर उसमें वीडियो शूट करो या उनसे बातें वगैरह करो, तो इसके वजह से मैं जितने दिन वो थी मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं शूट की थी। और ये तो उनके जाने के 2-3 दिन बाद का वीडियो है। यहाँ मैं शाम का डिनर बना रही थी, तो आप देख सकते हो दाल वगैरह मैं रख दी हूँ, हो रहा है, और मेरा खाने का मन था आलू और टमाटर का भरता, तो यहाँ मैं एक टमाटर ली हूँ उसको बॉयल कर रही हूँ, और एक तरफ मैं दाल चढ़ा दी थी तो दाल फाइनली हो रहा था।
दाल हो रहा था, उसके बाद मैं चावल वगैरह निकाल के रख दूँगी। और इनको इनके आने में बहुत टाइम है, तो इसके वजह से मैं चावल और रोटी इनके आने के बाद ही बनाती हूँ। और यहाँ आप देख सकते हो मैं आटा गूंथ ले रही हूँ, क्योंकि आटा गूंथ कर रख दूँगी। मुझे लगा ये आ गए हैं, तो मैं बार बार पीछे देख रही थी। तो आज का वीडियो मेरा बहुत ही छोटा है, और आई होप आप लोग को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।